पंडित जी नमस्ते में आप सभी का स्वागत है। पंडित जी नमस्ते, आपको हिंदू धर्म के सभी व्रत एवं त्योहारों से अवगत कराता है। पंडित जी नमस्ते का एकमात्र उद्देश्य आस्था और विश्वास को बढ़ाना है। हमारा चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। आज 17 सितंबर 2018 को विश्वकर्मा पूजा मनाई जा रही है। हर साल विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। इस बार विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2018 को है और हमेशा ही 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। यह दिन व्यापारियों के लिए सबसे जरूरी है, या जो भी कामकाजी लोग होते हैं वो विश्वकर्मा जी को पूजते हैं, उन्हें मनाते हैं। हर साल विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को ही मनाई जाती है। विश्वकर्मा जी दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर और वास्तुकार माने जाते हैं, इसलिए आज के समय में उद्योग, फैक्ट्रियां और हर तरह की मशीनों की भी पूजा की जाती है। सभी कामकाजी लोगों के लिए विश्वकर्मा जी सबसे पूजनीय एवं प्रिय हैं। यह पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों के द्वारा की जाती है। विश्वकर्मा भगवान की उत्पत्ति से संबंधित एक कथा है। इस कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात विष्णु भगवान सागर में शेषशय्या पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे और ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के प्रवर्तक बने। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नाम की पत्नी थी, उनसे विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति ही विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आदित्य आचार्य बन गए। विश्वकर्मा जी के अनेक रूप है। भगवान विश्वकर्मा को अनेक रूपों में पूजा जाता है, जिसमें दो भुजाओं वाले विश्वकर्मा, चार भुजाओं वाले और 10 भुजाओं वाले भी हैं। एक मुख, दो मुख, चार मुख और पंच मुख वाले विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। भिन्न प्रकार के चित्र आपको मिल जाएंगे। मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं देवज नाम के 5 पुत्र हैं। यह भी मान्यता है कि ये 5ों वास्तु शिल्प की अलग अलग विद्याओं में, और उन्होंने कई ऐसी वस्तुओं का आविष्कार किया जो प्राचीन भारत में की गई और उनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है। तो लोहे से, मय को लकड़ी से, त्वष्टा को कांसे और तांबे से, शिल्पी ईंट से और देवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। विश्वकर्मा पर प्रचलित कथा भगवान विश्वकर्मा की महत्ता स्थापित करने वाली ही एक कथा है। इस कथा के अनुसार वाराणसी में धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपने कार्य में वह बहुत ही निपुण था, परंतु विभिन्न जगहों घूम कर प्रयत्न करने पर भी भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। पति की तरह पत्नी भी पुत्र न होने के कारण बहुत चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वे साधु संतों के यहाँ जाते थे, लेकिन यह इच्छा उसकी पूरी न हो पा रही थी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार की पत्नी से कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, तथा अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महात्म्य भी सुनो। इसके बाद रथकार एवं उसकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की तथा धन धान्य पुत्र रत्न की प्राप्ति की। वे सभी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उसी प्रकार से भगवान विश्वकर्मा हमें भी धन धान्य से भरपूर रखें एवं हमें एक सुखी जीवन प्रदान करें।
पूजा विधि। विश्वकर्मा पूजा करने के लिए व्यक्ति को प्रातः स्नान आदि करने के बाद अपनी पत्नी के साथ पूजन करना चाहिए और पत्नी के साथ ही यज्ञ भी करना चाहिए। यथासंभव यज्ञ किया जा सकता है। हाथ में फूल अक्षत लेकर भगवान विश्वकर्मा का नाम लेते हुए घर में अक्षत छिड़क देना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते समय दीप, धूप, पुष्प, कंद, गंध, सुपारी आदि का प्रयोग करना चाहिए। पूजा स्थल पर कलश में जल एवं विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। विश्वकर्मा प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के बाद सभी औजारों को तिलक लगा करके पूजा करनी चाहिए एवं अंत में हवन कर सभी लोगों में प्रसाद का वितरण कर देना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा का मंत्र इस प्रकार है। ओम आधार शकत्पे नमः, ओम कुमिये नमः, ओम अनंतम नमः, पृथ्वीये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति उच्चारण करना चाहिए तथा विश्वकर्मा की पूजा करने के जो फायदे हैं, जो फल हैं, वो इस प्रकार हैं। कहा जाता है कि विश्वकर्मा पूजा करने वाले व्यक्ति को धन धान्य और सुख समृद्धि की कभी भी कोई कमी नहीं होती। इस पूजा की महिमा ऐसी है कि व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि होती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।